नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी का डेकोरेशन करके दिखाने वाली हूँ। यह डेकोरेशन बिल्कुल लास्ट मिनट डेकोरेशन होने वाला है। मेरा मतलब जो महिलाएं वर्किंग हैं, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो भी अपने गणपति बप्पा के लिए बहुत अच्छा डेकोरेशन कर सकती हैं अपने घर पर। इस डेकोरेशन को करने के लिए मैंने अलग से कोई भी शॉपिंग नहीं करी है। दिवाली के जो सामान हमारे घर पे अवेलेबल था उसी से किया है और एक दो दुपट्टे यूज़ किए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे किया है मैंने। सबसे पहले उस जगह की सफाई करेंगे जहाँ पे हमें डेकोरेशन करना है। तो एक साफ कपड़े से इस जगह की सफाई कर लीजिए जहाँ पे आप गणपति जी के लिए डेकोरेशन करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर दो कील लगाया हुआ है साइड में और इस पर साटन का रिबन बांध दिया है। आप चाहें तो कोई भी रस्सी बांध लीजिए। और ये एक मेरा दुपट्टा है, इसे मैंने डबल फोल्ड करके लगाया है। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, बस इसका ध्यान रखें कि फेस्टिव लुक के लिए अच्छा कलर हो, अच्छा लगे देखने में। और ये मेरा दूसरा एक रेड दुपट्टा है जिसे इस तरह से प्लीट्स बना लेंगे और बीच में जो पहले से दुपट्टा लगाया हुआ है उसमें इस तरह से डाल देंगे। ये बहुत ही सिंपल और बहुत झटपट बनने वाला डेकोरेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरह से बीच में प्लेट्स बना लीजिए और एक छोर को उठाकर ऊपर टकिंग कर देंगे और इसी तरह दूसरी तरफ भी कर देंगे। तो झटपट एक बैकड्रॉप बनकर तैयार हो गया है। अब एक सेफ्टी पिन के हेल्प से इसे सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से करने से ये कभी भी खोलकर नीचे नहीं गिरेगा। तो दोनों तरफ मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया है। नीट लुक लगे इसलिए दुपट्टे के बीच में भी प्लेट्स बनाकर इस तरह से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दीजिए। सेम प्रोसेस से दोनों साइड इसी तरह से सेफ्टी पिन लगा देंगे। इस तरह से पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा और देखने में बहुत ही नीट लुक देगा। दुपट्टे को हैंग करने के लिए जो कील लगाई थी उसी में इस तरह का लटकन लटका देंगे। इस तरह का लटकन ऑलमोस्ट सबके घरों में होते हैं, दिवाली डेकोरेशन में हम इसे यूज करते हैं। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से दूसरे वाले कील में एक और लटकन लेकर लटका देंगे और बाद में सेफ्टी पिन से इसे भी सिक्योर कर देंगे ताकि ये नीचे ना गिरे। तो देख रहे हैं ना फ्रेंड, कितना झटपट ये डेकोरेशन हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। लास्ट मिनट में हम इसे फटाफट कर सकते हैं और अपने गणपति बप्पा को विराजमान कर सकते हैं अपने घर में। इस तरह से मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा दिया है। अब एक छोटा सा लटकन लेकर जस्ट गणपति पप्पा के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे हम गणपति पप्पा को विराजमान करेंगे तो एक सेफ्टी पिन लेकर पीछे साइड से लगाएंगे। सामने से लगाएंगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आप इस तरह का कोई भी लटकन घंटी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब गणपति पप्पा के लिए एक आसन या चौकी बिछा लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बिछा दिया है और अपने गणपति पप्पा को विराजमान कर देंगे। तो मैंने कोई नया गणपति पप्पा नहीं विराजमान किया है यहाँ पर, मेरे पास घर पे पहले से थे तो आज मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रख रही हूँ। और इस तरह से माला पहनाकर और जिस तरह से आपको हो आप सजा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ।